Hey guys, I am back with another vlog. तो भाई आज है अच्छा सा दिन क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन भी आज, तो हैप्पी नवरात्रि सभी को। और भाई आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि पहली बार मैं जा रहा हूँ स्टेट ऑडिट के लिए। स्टेट ऑडिट पे जा रहे हैं हम लोग, गुड़गांव क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं, मतलब पहला ही दिन है क्लाइंट प्लेस पे जाने का। तो देखते हैं, धूप आ रही है अच्छी सी, चलते हैं स्टेट ऑडिट। देखना आज की वीडियो सच में इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि स्टेट ऑडिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कैसे होती है क्या नहीं, मतलब स्टार्टिंग में क्या, और सब कुछ बताऊँ मैं आपको। पता नहीं कितनी पब्लिक हो गई दिल्ली में भाई साहब, मेट्रो में मैं बता रहा हूँ पैर रखने की जगह नहीं, मैं बैठा ही नहीं, मैं अगली आगे जब जाऊँगा। लेट सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिटरली पैर रखने की जगह नहीं है, पता नहीं कैसे जाते हैं लोग इतनी भीड़ में, मैं तो रुक गया। पर हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ आज जाना है हमें गुड़गांव, मतलब लास्ट है रैपिड मेट्रो का लास्ट स्टेशन है, सेक्टर 56 ऐसे कुछ है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो वहाँ जाना है। वहाँ तक तो मैं गया नहीं हूँ, तो आज पहली बार जाके देखूँगा। फिर वहाँ से मैग्नम टावर जाना है, देखते हैं आज स्टेट ऑडिट, पहली बार स्टेट ऑडिट करेंगे हम लोग। और स्टेट ऑडिट में क्या कैसे वाउचिंग होती है, पहले तो शायद वाउचिंग ही होगी, और अभी तो मैं मुझे खाता कुछ आता नहीं है ना, तो वाउचिंग ही करूँगा, बट एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है, बताऊँगा तुम्हें भी कि स्टेट ऑडिट में क्या होता है, मज़ा आएगा पूरी वीडियो देखने। स्टेट मेट्रो में तो आ गए भाई, मेट्रो में इतनी भीड़ है बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं है। अब यहाँ से चेंज करेंगे पंजाबी बाग, फिर पंजाबी बाग देखता रहूँगा मैं तो, मैप में देख के जा रहा हूँ, पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे। भीड़ देखो पूरे में, भीड़ ही भीड़ है सही, दिल्ली मेट्रो भी मतलब इतनी भीड़, इतनी भीड़। मेट्रो का सिर्फ मुझे लगता है एक ही बेनिफिट है, अगर टाइम बेनिफिट चाहते हो बस, उसके अलावा जो भी है, अगर तुम्हें जल्दी नहीं पहुंचना तो बस ही मुझे ठीक लगता है DTC की, दिल्ली की मेट्रो। उसके अलावा भाई इतनी भीड़ है ना, दिमाग ख़राब। अब यहाँ से चेंज करेंगे, मयूर विहार की तरफ जाएंगे, कहाँ दिल्ली हाट जाना है, फिर वहाँ से चेंज करना है। स्टेडियम देखो पहुँच जाते हैं कि नहीं। अभी एक और मेरा आर्टिकल दोस्त है आयुष, उसका फोन आया था, वो कह रहा है सिकंदराबाद ही मिलेगा, तो स्टेडियम मिलते हैं। भीड़ मैं कह रहा हूँ ना, भीड़ कितनी है। दिल्ली हाट आ गए भाई, अब यहाँ से चेंज करना है येलो लाइन के लिए। एक बात बतानी थी मेरे को, अभी ऊपर चल के बताता हूँ, रुक जाओ। कहाँ से घुसी है इसके अंदर, जाना तो इसी में है। अभी आ गया हूँ मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से ना ये मेट्रो नहीं जाती, रैपिड मेट्रो लेनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से रैपिड मेट्रो तक, छोटी होती है वो मेट्रो, उस पर जाएंगे अभी। और मैं कह रहा था कि ना अभी आयुष भी आ रहा है, उसका वेट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था मैं, एक बात बता रहा था, हाँ मैं देख रहा था ना, मतलब पिछले ब्लॉग्स पे, दो तीन ब्लॉग्स पे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे थे ना, पॉजिटिव कमेंट्स इतने सारे, मतलब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे लिंक्डइन पर भी मैसेज आए थे बहुत सारे, तो मतलब अच्छा लग रहा था। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना, तो मतलब एक दो मैसेज आते पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है। पहले मैं फ़न के लिए बना रहा था, मेरे को ना अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने सारे पॉजिटिव मैसेज देख के, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, मज़ा आ रहा है। इतने सारे कमेंट तुम कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भाई मैं सोचता था यार ग्रीन लाइन में भीड़ होती है, येलो लाइन में तो दिमाग ख़राब हो गया है। देखो सामने इधर का नज़ारा ही बढ़िया है। आई एम वेटिंग राइट नाउ, आयुष आ रहा है, अगेत था 10 मिनट हो गए, 5 मिनट और शायद लगेंगे। दिमाग ख़राब हो यार मेट्रो पर, इधर भी ना दूर तो है गुड़गांव, बट गुड़गांव में मजे हैं, मैं देखा अभी, मतलब अच्छी जगह यार। आगे भाई सिकंदराबाद, अब यहाँ से लेंगे हम रैपिड मेट्रो, तो पहली बार बैठे रैपिड मेट्रो में, नहीं मज़ा आएगा देखियो, मज़ा क्या सेम ही है। बाकी देखते हैं अभी क्लाइंट पेज पे जाके क्या कर क्या होता है क्या नहीं होता। लोकेशन तो अच्छी है, आगे भाई मेट्रो के लास्ट स्टेशन पे सेक्टर 55-56। अब यहाँ से लेंगे हम कोई कन्वेंस, मतलब कन्वेंस कह रहा हूँ कोई ऑटो वगैरह लेंगे यहाँ से, फिर पहुँचेंगे मैग्नम टावर 1 जाना है हमें। मैग्नम टावर 1 में हमारी कंपनी है जिसकी ऑडिट चल रही है, इस पे जाना है हमें। तो ले लिया भाई हमने, अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, मैग्नम टावर जाना है हमें, मैग्नम टावर 1 वहाँ जाके दिखाऊँगा, ठीक है। स्टेट हम भीड़ हो रही है, गर्मी हो रही है, भीड़ कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरा मुँह जल गया है। क्लाइंट प्लेस पे किसमें है हमारा, शायद इसी में है, 10th फ्लोर पे जाना है हमें। लोकेशन क्या रही है यहाँ की, यार 3 घंटे लग गए मैं क्लाइंट प्लेस तक आने में। मैग्नम टावर 1 ये लोकेशन है, देखते हैं, पहली बार मैं तो ऑडिट पे गया हूँ किसी भी, मज़ा आने वाला है शायद। आ गए भाई हम, अच्छी लग रही है, 2nd फ्लोर दबा भाई हम क्लाइंट प्लेस पे। अब हम जा रहे हैं ऑफिस में, जहाँ पर जाना है हमें, कंपनी है यहीं पे 10th फ्लोर पे, वहीं जा रहे हैं अपन। कैसा लग रहा है तेरे को, अच्छा लग रहा है?
फील आ रही है, फील तो आ रहा है, और इंटर वाली फील आ रही है ना, सी एस आप वाली, सी एस आप वाली फील है। भाई काम वाम कर रहे थे हम, तो अब हो गया हमारा लंच ब्रेक। मज़ा आ रहा है बट जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑडिट, मैं तो पहली बार आया हूँ, ये तो आता रहता है, मैं पहली बार आया हूँ। चेकिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत बैलेंस वगैरह की, कैच कैच कर दिया। लोकेशन कितनी प्यारी दिखाते थे ना ब्रो, दिस इज द लोकेशन। लोकेशन देखना कितनी प्यारी है, ये लोकेशन तो चाहिए काफी टाइम। भाई अपना खाना है और ये लोकेशन, यहाँ बैठ के सामने से मस्त है ना लोकेशन, खाओ और सामने देखने में भी अच्छा लगता है पूरा। अभी भाई हम कर रहे थे, मैं सुबह से तो अभी तक तो मैं टी डी एस चलान फिक्स एजिस के एडिशन सी ये सब देख रहा था, मतलब मज़ा आ रहा है ऑडिट में, बट इतना भी नहीं आ रहा, थक गया मैं। खाना वाना खाया उसके बाद अभी कॉफ़ी पी है, वाउचिंग करनी भाई, वाउचिंग बहुत गंदा काम लगता है मेरे को, बैलेंसिस को टैली करना, बट ये कि ऑडिट का पार्ट है, वही कर रहा था अभी, तो थक गया मैं वैसे, ऑलमोस्ट काम हो गया है मेरा वाउचिंग का, मतलब आज का। अब चलेंगे घर, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी ना आपको तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जा रहा हूँ अंदर, अभी ऑलमोस्ट हो गया अपना काम। फाइनली गाइस ऑफिस क्लोज, मतलब जा रहे हैं अब हम घर, क्योंकि टाइम हो गया 5:30 बज गए हैं, 3 घंटे लगेंगे मुझे घर जाने में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई के, ऐसी मस्त मस्त वीडियो आने वाली है आगे भी। चलो भाई यहाँ थे हम ऊपर सर, आगे मज़ा आया, राहुल ने अभी सनसेट है। अभी जा रहे हैं मेट्रो पे, मज़ा आया आज का दिन, मतलब ऑडिट में फील आया आज, पहली बार ही आया मैं तो स्टेट ऑडिट पे, बट मज़ा आया, टाइम लगेगा घर जाने में, देखते हैं। भाई सिकंदरपुर आ गए हम, अब यहाँ लग नहीं रहा हमें सीट मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, सीट मिलना तो मुश्किल ही है, बाकी कोई नहीं, देखते हैं जो भी होता है, बताता हूँ आपको आगे चल के। भीड़ देखो पीछे, भीड़ ही भीड़ है पूरे में, सबका ऑफिस टाइम क्लोजिंग है ना तो भीड़ तो होगी, बाकी वीडियो कैसी लग रही है बताते रहना कमेंट करके मेरे को। अब यहाँ से चेंज करेंगे पिंक लाइन, फिर वहाँ से जाएंगे पंजाबी बाग, फिर आगे चेंज करूँगा, तगड़ी भीड़ हो रही है आसाम को तो यार, इस साइड में आया ना, कोई नहीं आगे जा कर बताऊँगा जो भी है, पहले तो मैं स्टेशन मेट्रो बस में जाऊँगा, इतनी भीड़ है। हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 मिजलिस पार्क, इधर से शायद आगे से ही है। हेलो चलते हैं, भीड़ देखो इधर बहुत तगड़ी भीड़ है, इतनी शाम को भीड़ तगड़ी हो रही है, कोई नहीं चलना था ही, कल पता नहीं 2 दिन का शायद और काम है। फाइनली गाइस अपन आ गए हैं घर, तो भाई आज का ब्लॉग बहुत बढ़िया था, मतलब आज का दिन भी पूरा अच्छा था। आज मैं गया तो पहले हमने, मतलब स्टार्ट ऑडिट थी ना, तो पहले हमने फिक्स एसेट के एडिशंस वगैरह, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर की ऑडिट थी तो फिक्स एसेट के एडिशंस वगैरह चेक करे, और उसके अलावा मैंने TDS के चलान वगैरह उसने देखा, आयुष ने GST के चलान, GST के रिटर्न वगैरह ये सब देखी, और वाउचिंग तो करनी होती है नॉर्मल सी बात है, तो फिर हमने, मैंने थोड़े बहुत हेड ऑफिस के देखे, इसी में पूरी शाम हो गई, तो आज का दिन मतलब यही था पूरा का पूरा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।